सीढ़ी हमारे पास कोई भी उसमें 24 लाख साहब भी थे और एजाज उल अफ्तार वगैरह में सभी उमूर भी थे वगैरह इतना जनाब तिमरानी साहब भी थे और वगैरह मुमलकत वरा इतलात अजीम तारीफ साहब भी थे और भी कुछ हजरात थे और हमारा वक्त था मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब की क्यादत में उसमें उसूली तौर पर तकरीबन सारी बातें तय हो गई थी और हमें बड़ी खुशी थी कि अल्हम्दुलिल्लाह अब इस तरीके से खून खराब खत्म हो जाएगा और मसला हल हो जाएगा। उसके बाद फिर चौधरी शिजात साहब और जनाब एजाज उल्लाह साहब और जनाब दुर्रानी साहब और जनाब अजीम तारिक साहब इन हजरात ने एक जुलूस की शक्ल में वहां से रवाना हुए और हमें भी कहा कि आप भी चले और हमने बातें तय की है उन पर अमल दरामद का इंतजाम करें। वहां पहुंचने के बाद रेंजर के जो अफसर थे उन्होंने मुजरा को भी आगे जाने से मना किया और हमें भी जाने से मना किया और ये कहा कि अंदर खतरा है तो वो लोग कहीं आपको अमान न बना ले या कोई फायरिंग न कर दे। फिर ये तय हुआ कि यहीं बैठकर आप इसमें तरीके का तय किया जाए तो राशि वही एक मकान में हम ये वक्त के हजरात भी थे हम मुस्लिम और ये चारों हजरात भी थे हमने मुफसल तरीके का तय किया और जो उसूल तय हुए थे वो वजीर आजम साहब की मजलिस में उन्हीं उसूल के तहत उन्हीं उसूल की रोशनी में उसका मुफसल तरीका कार तय किया गया और फिर ये हम रास्ते करने की सूरत ये की गई कि यहाँ से एक सरकारी टेलीफोन मोबाइल सेट उनके पास भेज दिया गया अब्दुर्रशीद वाजी साहब के पास क्योंकि उनकी आम बैटरी वगैरह खत्म हो गई थी उसके जरिए चलाता रहा। फिर एक साहब को अब्दुल रशीद गाजी साहब ने अपना नुमाइंदर के तौर पर हमारे पास भेजने का इंतजाम किया और वो मुसवदा जो हमने यहाँ तैयार किया था तीन चारों हजरात के साथ तीनों गुजरात के साथ चौधरी शहजाद साहब की सरकर्दगी में और बाहमी मशवरे से तय किया था और मुतफ़िक तौर पर तय कर लिया था तो वो उनको भी सुनाया गया अब्दुल रशीद गाजी साहब को और उनको थोड़े से बात तहफात थे उसके बारे में भी मशवरा करके उसका एक हल तलाश कर लिया गया और मुकम्मल तहरीर लिख ली गई और उस पर हम सबका इतफाक हो गया चौधरी साहब का भी और तीनों गुजरात साहिबान का भी और मेरे साथ उस वक्त जनाब फारिगनी साहब नाजिम आलम फाकुल मदारिस के थे और मौलाना अब्दुल राशिदी साहब थे और भी हमारे और डॉक्टर मौलाना आदिल खान साहब थे और मुफ्ती अब्दुल हमीद साहब भी थे। इन हजरात की मैयत में जो कारण मौलाना कई घंटे की मेहनत से तैयार भी हो गया और अब्दुल रशीद गाजी साहब भी उस पर राजी उनको भी हमने राजी कर लिया टेलीफोन कर। लेकिन अब उसके बाद इन हजरात ने मुजरा हजरात ने ये कहा कि हम जरा आप इसे मशवरा करेंगे आप इसे मशवरा किया और हमें एक हिदायत हम दीवान सदर जाकर जाएंगे और इसकी मंजूरी वहां से लेकर आएंगे। ये बात हमारे लिए बिल्कुल नहीं थी क्योंकि हम तो समझ रहे थे कि वजीर आजम के साथ जो पहली मीटिंग हमारी हुई थी जिसमें चारों के मुजरा साहिबान भी थे जो बातें उसमें तय हो गई है उसी के तबसेरा किए हैं और इस पर भी सभी का इतफाक हो चुका कि उनके संदेह थे कि मैंडेट लेकर आए होंगे और इसके बाद जो इन्होंने कम दिया है तो सब मजीद किसी कार्रवाई की जरूरत नहीं होगी मगर इन हजरात ने कहा कि हमें ईवान सदर जाना है और सदर से मंजूरी लेनी है और हमसे बात हमारा अंदाज है कि हम आधे घंटे में वापस आ जाएंगे लेकिन हम इंतजार में रहे और तकरीबन दो ढाई घंटे बाद ये अगर आपको सीख लग चौधरी साहब ने मुसलसल कोशिशें की हैं
हमें उनकी कोशिशों का और उनके इखलास का बड़ा एहसास है, लेकिन वो जब वापिस आए तो वो जो मुतफ़ा फार्मूला यहाँ हमने मुतफ़ा तौर पर लिखा था वजीर आजम से कैशुदा उसूल की रहनुमाई में और चारों इन हजरात के इत्तेफाक से और अपने इत्तेफाक से और जिस पर अब्दुल रशीद गाजी साहब को भी कर लिया गया था वो फार्मूला बिल्कुल तब्दील कर दिया, उसूल तौर पर बिल्कुल तब्दील कर दिया और हमें इन मुजारा साहब ने पैगाम दिया कि अजीवान सदर में ये बात तय हो चुकी है इसके एक लफ्ज को अब इसमें किसी लफ्ज की कमी मेशू नहीं हो सकती और हमें हमारे पास अब सिर्फ आधा घंटा है, इसी आधे घंटे के अंदर अंदर अब्दुल रशीद सलीम अब्दुल रशीद गाजी साहब इसको बारे में फैसला कर दें कि ये ठीक है मानते हैं या नहीं मानते। तो इस फार्मूले पर हमने उनको बमुश्किल आमादा किया था अब्दुल रशीद गाजी साहब को क्योंकि वो फार्मूला खत्म हो गया था। तो हमने गुजरात से अर्ज किया कि इन हालात में फिर अब हम इस जिम्मेदारी से बीच की जो मुसारात की कोशिश में जो जिम्मेदारी हम पर आ रही थी इसमें जब हम जिम्मेदारी से अलग हो जाते हैं क्योंकि दुनिया भी बदल गई है अब आप गुजरात बराह रास्त रास्ता कर लें अब रशीद गाजी साहब से अगर वो राखे हो जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है हमारी मृत्यु द्वारा है कराची एक कहकर हम माँ से वापिस चले आए और हमने यहाँ आने के बाद अपने मोबाइल फोन बंद कर दिए थे इस वजह से कि टेलीविजन की मुख्तलिफ चैनलों की तरफ से मुसलसल हमसे सवाल की बारिश थी। मुफ्ती साहब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या बुनियादी फर्क था दोनों जो दस्तावेजा तैयार की गई थी जो कि पहले तैयार की गई और फिर सब्ज को दिखाने के बाद क्या तब्दीली आई इसमें? वो असल में वो तफसील गलत बातें हैं और अभी हम उन चीजों को करना नहीं चाहते। अच्छा मानो साहब सिर्फ मेरी इस बात की बताइएगा कि ये कहा जा रहा है कि पहले जो बात थी वो नजरबंदी तक थी जिसे बाद में गिरफ्तारी में तब्दील कर दिया गया, क्या ये सही है? जो बुनियाद की मुसालहत थी जिस पर हमने उनको मुश्किल आमादा किया था अब्दुल रशीद गाजी साहब को वो बुनियाद ही खत्म हो गई और भी कुछ बुनियादें खत्म हो गई। बहरहाल ये कि मैं इन तफसीलात में इस पर जाना मुनासिब नहीं समझता था कि इससे मजीद कोई उलझने पैदा ना हो और हुकूमत के लिए भी कोई मजीद मसाइल ना पैदा हो, लेकिन यह कि हमने ये बात महसूस की कि इन हालात में इस फार्मूले की जिम्मेदारी हम लेने की हमारे लिए लेना मुमकिन नहीं रहा चुनाचे हम इन हजरात से रुख्सत होकर वापिस आ गए और अपने मोबाइलों को इसलिए बंद कर लिया कि हम नाउम्मीदी का इजहार करना नहीं चाहते थे क्योंकि ये इम्कान था कि इनके जो अभी मुजाकरा के रूम पर चल रहे थे अब जो रशीद गाजी साहब से हो सकता है तो उसमें वो किसी तरीके से रशीद गाजी साहब से खारिज कर लें तो ये है हमारी मर्जी के मुताबिक हो जाती बात अगर वो खारिज कर लेते इस वजह से हमने अपने मोबाइल बंद कर लिए। लेकिन अभी अभी मुझे इत्तलात मिली एक बीवी से देखा तो मालूम हुआ तो वहां तो बहुत जबरदस्त किस्म का ऑपरेशन शुरू हो चुका है। अब ये एक सख्त आजमाइश है पूरे मुल्क के लिए और पूरे हमारे लिए और क्या क्या कुछ सुकून हो रहा है क्या अंदाज हो रहा होगा जो समझी हमारा दिल बेचैन है दिल खून के आंसू हो रहा है हमारे मुल्क में क्या हो रहा है अल्लाह ताला कितने से हमारे शहरों को हमारे मुल्क को बचा ले इस वाक्य के गलत नकारी से लगा हमारे मुल्क को हमारे वतन के को बचा ले और आइंदा की दिनों से महफूज रखे। मगर ये सूरत हाल बहुत ही तश्वीशनाक और दर्दनाक है इस पर सिवाय अल्लाह ताला से दुआओं करने के इस पर कोई रास्ते समझ में नहीं आ रहा। आप अगर आपकी दुआ करें और कोशिश करें कि कोई मजीद बदमजगी पैदा ना हो
अल्लाह ताला हमारी सबकी रहनुमाई करो, दुआ पूरी करवाना नहीं हम के लिए। मुफ्ती रफी उस्मानी काबिले एहतराम मजहबी स्कॉलर हमारे साथ मौजूद थे और हमें आगाह कर रहे थे कि क्या सूरत हाल पेश आई जब उलमा का वक्त वहाँ से चल पड़ा और वापस अपनी क़यामगाह पहुँच गया और ये क्यों हुआ। इन तमाम तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मुफ्ती साहब का ये कहना था कि वो बुनियादी नुक्ता जिस पर इख्तलाफ हुआ वो किसी हिकमत के तहत वो भी सबके सामने लाना नहीं चाहते, कोई तदबीर है जिसकी बिना पर वो भी सबसे सबके सामने नहीं बताना चाहते कि क्या बुनियादी नुक्ता था जिस पर इख्तलाफ हुआ। लेकिन